तो मेरे प्यारे देश के प्यारे किसान वीरों, क्या हाल चाल है? और आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे 3 ऐसे उपाय जिससे आप अपनी गायों से 10 से 15 लीटर तक दूध ले सकते हैं। तो चलिए किसान वीरों, शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी सुझाव है वो है कि सबसे पहले आपको ब्रीडिंग पर ध्यान देना होगा। ब्रीडिंग पर ध्यान देने का मतलब ये होगा कि अगर आप अपनी गायों की नस्ल सुधार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर दूध बढ़ जाएगा। अब दूध कैसे बढ़ जाएगा, मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप गायों को अच्छी नस्ल वाली, अगर आप गायें अच्छी ब्रीड कराएंगे अच्छे नंदी से, और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर दूध बढ़ जाएगा। तो ये हो गया एक हमारा ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पर आपको ध्यान कैसे देना है, देखिए ब्रीडिंग पर आप जब भी नंदी लाते हो तो उसकी माँ की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उस नंदी की, जिस गाय से उस नंदी ने जन्म लिया है, उस गाय का आपको दूध रिकॉर्ड चेक करना है। अगर उस गाय का अच्छा अगर दूध रिकॉर्ड होगा तो उससे ये सामने पता चल जाएगा कि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो नस्लें हैं, वो भी अच्छे से अच्छा ज़्यादा दूध देने वाली आएगी। तो पहली बात तो हो गई हमारी ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग में आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्रीडिंग पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी गाय की जो नस्लें हैं वो काफ़ी बढ़िया सुधर जाएंगी, और उसके बाद आपका जो दूध है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, गायों की वेराइटीज़ अच्छी हो जाएगी आपके पास में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ब्रीडिंग पर ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे जो दूसरा नंबर की जो हमारा उपाय है, वो यह है कि आपको जब भी आपकी, देखिए अगर आप, मैं अभी गाय का नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप बछड़ी से इसकी शुरुआत करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल लाभकारी है, क्योंकि गायें आपके पास आ चुकी है, अब हम उसकी वेराइटी चेंज नहीं कर सकते। पर जब हम बछड़ी, अगर कोई भी बछड़ा है बछड़ी है, उसकी वेराइटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, उसकी नस्ल पर ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आपको एक और अच्छा दूसरा जो हमारा उपाय है वो यह है कि जब भी आपकी गाय बच्चा दे या बच्ची दे, तो उसे इस तरह हाथ में पकड़कर आप थोड़ी देर तक अगर ऊंचाई पर रखेंगे तो उससे उस गाय की जो हाइट या हाइट है, नंदी की हाइट है या फिर गाय की हाइट है, दोनों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी जो हाइट है वो शुरू से ही लंबी चौड़ी निकलेगी। तो अगर हमारे पास अगर अच्छी लंबी चौड़ी वाली गाय रहेगी तो वो अच्छा ही अच्छा दूध देगी। अगर आपने कोई भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी जो बहुत ज़्यादा लंबी हो और उसका दूध मतलब कम हो, मैक्सिमम जो गाय रहती है वो लंबी रहती है गिर में अच्छी दूध देने वाली। तो जो दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो समझ गया होंगे आप, आपको गाय को इस तरह पकड़ना है और थोड़ी देर तक उसे 1-2 मिनट आपको इसे ऊंचाई पर रखना है, उससे क्या होगा हमारी ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है 3rd नंबर, वो यह रहेगा कि आपको गायों के खान पान पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। उन बछड़ियों की जो आप, जिसे आप तैयार कर रहे हैं, जिससे आप 10 से 15 लीटर दूध लेना चाहते हैं, उन गायों पर आपको काम करना होगा, उन पर आपको, उन बछड़ियों पर आपको अच्छा से अच्छा खान पीन देना होगा। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो जिस माँ से उसने जन्म लिया है उसका दूध उसके लिए बहुत ही पौष्टिक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आपको आने वाले समय में अच्छा दूध लेना है उस बछड़ी से, तो आपको शुरू से उस बछड़ी को उसकी माँ का अच्छा दूध पिलाना होगा। ऐसा नहीं करना है कि यार चलो आज इतना दूध पिला दिया है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बछड़ी हम निकाल लेते हैं, हमारे काम देगा, अभी दूध का भाव ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको गायों को, उसकी बछड़ी है उसको अच्छा से अच्छा दूध पिलाना होगा, तभी वो गाय अच्छी जाकर डेवलप आगे जाकर हो सकती है। अगर आज ही कंजूसी करोगे तो आप आगे जाकर अच्छा दूध नहीं ले सकते। अब उसमें भी हम बात कर लेते हैं खान पीन में, जैसे कि हमारी सरसों की खल हो गई, उसके बाद दलिया आता है, उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दलिया भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें अगर आप रोज़ ऐसे दलिया और सरसों की खल और कपास अगर मिलाकर देते हैं तो 100% गाय अभी से ही अच्छी तैयार हो जाएगी, और अगर अभी अच्छी तैयार हो गई तो आगे जाके दूध भी अच्छा ही देगी। और एक तो ये हो गया, उसके बाद हमारा होता है रहन सहन।
गायों को हमेशा आपको बछड़िया भी अगर आप रखते हो तो उन्हें भी खुली रखा करो। ये होता है कि अगर खुली रखोगे अगर आप बछड़िया, तो हमारी बछड़िया अच्छी वेल डेवलप हो जाएगी और उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। अगर उसका अगर माइंड अगर फ्रेश रहेगा गाय का, वो घूमती फिरती रहेगी, उसका मन पड़ेगा जब वो खाना खा लेगी, जब मन पड़ेगा जब पानी पी लेगी। तो अगर हम अपनी गायों को अगर बछड़ियों को अगर खुले में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप उनके लिए बाड़ा भी बना सकते हैं जिसके अंदर वो घूम सके, तो कुछ इसी हम करते हैं जिससे हम अच्छा दूध ले सकते हैं उनसे। तो ये कुछ 3 टिप्स थी हमारी गायों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो यही कुछ जानकारियाँ थी। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो किसान वीरो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।